हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 19, मैथ्स क्लास 9, हिंदी मीडियम में है ये। स्टार्ट करते हैं इसको। तो नया टॉपिक है आज का हमारा, रेखा और कोण, लाइंस और एंगल्स। रेखा किसे कहते हैं पहले वो जान लीजिए। रेखा वो होती है जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है, जो दोनों तरफ से बढ़ाई जा सकती है, इसे बोलते हैं रेखा। और कोण किसे कहते हैं, जो दो किरणों से मिलकर बनती हैं या दो रेखाओं के बीच में जो एंगल बनता है, ये कोण है। नाम इसका आप दे सकते हैं ए ओ बी, तो इसको बोलेंगे कोण का ये सिंबल है ए ओ बी, या बी ओ ए भी लिख सकते हैं हम इसे, बी ओ ए। ये ओ बीच में रहेगा क्योंकि यहीं पे कोण बन रहा है। तो ये इंट्रो छोटा सा दिया, अगर इसके ऊपर पूरी देखने होंगे आपको वीडियो तो चैनल पर आप जा सकते हैं, प्लेलिस्ट के अंदर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। किस चित्र को आप ध्यान से देखिए, इसमें हमें दो कोण नजर आ रहे हैं बनते हुए। कोण ए बी डी ढूंढे कहाँ हैं, ए बी डी यानी ए बी डी और सी बी डी, सी बी डी दो कोण बन रहे हैं। तो ये पूछ रहा है इसमें उभयनिष्ठ शीर्ष का नाम क्या। शीर्ष इसे कहते हैं जो कोने पे होते हैं ये पॉइंट, इन्हें शीर्ष कहते हैं। उभयनिष्ठ यानी दोनों में जो कॉमन है, इस कोण और इस कोण में कौन सा शीर्ष कॉमन है, बी, तो यानी ये कॉमन है। उभयनिष्ठ मीन्स होता है कॉमन। और कॉमन भुजा यानी उभयनिष्ठ भुजा कौन सी, ये है जो दोनों में है, इसका नाम क्या है, बी और डी। इसका नाम बी है और इसका नाम डी है, तो भुजा को ऐसे लिखते हैं बी डी। तो हमें एक चीज नजर आ रही है कि दो जो कोण है, अगर उनका एक उभयनिष्ठ बिंदु है, शीर्ष है जिसे बोलते हैं, और उभयनिष्ठ भुजा है, तो उन दोनों कोणों को बोलते हैं आसन कोण। यानी ये जो कोण है और ये वाला कोण ए बी डी और डी बी सी, ये आसन कोण है, ये सी है, ये ए है, ठीक है। तो दो कोण जिनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष है, उभयनिष्ठ भुजा है और विपरीत दिशा में है, देखिए एक इस तरफ है एक उस तरफ है, यानी अगल बगल बोल लेते हैं हमारे, एक लेफ्ट में या राइट में है, तो उसको उभयनिष्ठ कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, उभयनिष्ठ कोण, ठीक है। तो आसन कोण बोलते हैं, सॉरी आसन कोण बोलते हैं, जो दो कोण है जो आपस में अगल बगल में है, तो उसको आसन कोण बोलते हैं। तो यानी कोण ए बी डी और सी बी डी आसन कोण है हमारे। चित्र दो देखते हैं कि अगर ये दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए तो क्या होगा। पहले तो इसमें आसन कोण पता लगाइए, आसन कोण के नाम क्या है। आसन कोण देखिए ये और एक ये नजर आ रहा है और एक ये, तो नाम क्या है बताइए, पी क्यू एस, नाम लिखिए पी क्यू एस। और दूसरे का नाम क्या है, एस क्यू आर या आर क्यू एस, एस क्यू आर। तो ये दो कोण आसन हमें नजर आ रहे हैं जिनका ये शीर्ष बिंदु है क्योंकि उभयनिष्ठ है, शीर्ष है और ये भुजा उभयनिष्ठ भुजा है। दो कोण आसन है और इनका योग अगर 90 डिग्री है, यानी इन दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री होता है, तो दोनों कोणों को क्या बोलते हैं, पूरक कोण कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इन दोनों का टोटल 180 होगा, तो दोनों कोण पूरक कहलाएंगे। इसका मतलब यह है कि अगर एक 30 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा, 90 माइनस 30, क्योंकि दोनों का योग 90 है ना, तो दूसरा कितना आएगा 60। अगर एक 45 है तो दूसरा भी 45 होगा, अगर एक 40 है तो दूसरा कितना होगा बताइए, कितना कम है 90 से, 50 कम है ना, यानी 90 माइनस 40 हमने किया। तो पूरक कोण का मतलब ये होता, हमेशा दो पेयर होंगे उसमें, दोनों ही आसन होंगे और दोनों का जोड़ क्या होगा, 90 डिग्री होगा। चलिए अगले चित्र को देखते हैं, हम आकृति को। इसमें भी आसन कोण पहले पता लगाते हैं हम कौन कौन से हैं। तो देखिए ये उभयनिष्ठ है शीर्ष एन और ये उभयनिष्ठ भुजा है एन ओ, तो यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण जो विपरीत है, ये आसन कोण है। आसन कोणों का नाम हो गया एम एन ओ, कोण का नाम है एम एन ओ। और दूसरा कौन सा है, पी एन ओ, तो लिखेंगे कोण पी एन ओ। तो दोनों आसन कोणों का योग कितना नजर आ रहा है, हमें नजर आ रहा है कि 180 डिग्री जा रहा है पूरा ऊपर, क्योंकि सीधी रेखा है और सीधी रेखा 180 डिग्री की होती है। तो यानी दो आसन कोणों का योग अगर 180 डिग्री है, जिसे ऋजु कोण बोलते हैं, 180 को क्या बोलते हैं, ऋजु कोण, 90 को समकोण बोलते हैं और 180 को ऋजु कोण। तो अगर दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री है तो वो दोनों संपूरक कोण कहलाते हैं। देखिए दो बड़ा है, एक पूरक एक संपूरक। पूरक का मतलब होता है योग 90 डिग्री और संपूरक का मतलब होता है दोनों कोणों का योग 180 डिग्री। मतलब कि अगर ये 120 है तो ये कितना होगा बच्चों, 180 में से 120 घटा दो 60 होगा, है ना। अगर 140 है तो ये कितना होगा, 40 डिग्री होगा, ठीक है। यानी दो कोणों का योग, एक 90 है तो दूसरा 90 होगा क्योंकि योग 180 ही होना है।
और हम ये भी देख रहे हैं कि जो ये भुजा है एम एन और एन पी ये मिलके एक रेखा बना रही है, सीधी रेखा। तो इसका मतलब कि ये जो है सरल रेखा भी बन रहे हैं, तो यानी जो ये दो कोण हैं ये रैखिक युग्म भी बना रहे हैं। तो हम ये पढ़ेंगे, जब आसन कोणों की उभयनिष्ठ भुजाएं, उभयनिष्ठ मतलब कि ये कॉमन भुजा, ठीक है, और जो बिना उभयनिष्ठ के मतलब ये वाली भुजा कॉमन नहीं अनकॉमन, उभयनिष्ठ का लिखना अउभयनिष्ठ मतलब कि अनकॉमन, जो भुजा कॉमन नहीं है, ये दो भुजाएं मिलकर एक रेखा बनाती हैं, तो जो कोण बनता है उस कोण को रैखिक युग्म कहते हैं, कोणों के युग्म को रैखिक युग्म कहते हैं। यानी इससे दो बातें समझ में आई, एक तो ये संपूरक कोण है, दूसरा रैखिक युग्म में भी हम लिख सकते हैं ये जमा ये 180 डिग्री होता है। तो कोण एम एन ओ और पी एन ओ रैखिक युग्म है। तो क्या चार बातें आई दोबारा सुन लेते हैं। एक आसन कोण आया, आसन कोण क्या होता है, दो कोण होते हैं जो विपरीत डायरेक्शन में है, जिनका शीर्ष बिंदु एक ही है, और शीर्ष शीर्ष जिसे बोलते हैं कॉमन शीर्ष, और कॉमन साइड जो है भुजा है वो भी एक होगी। फिर हमने पूरक कोण पढ़ा, जिनमें दो कोणों का दो आसन कोणों का योग 90 डिग्री होता है। फिर संपूरक पढ़ा, जिसमें दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होगा, और इन्हीं का योग 180 डिग्री है तो इसको रैखिक युग्म भी कहते हैं। इतना क्लियर हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। पूरक कोण निकालना है, तो देखिए पूरक कोण का मतलब है कि 90 डिग्री होता है दो कोणों का योग। अगर एक 70 है तो दूसरा कितना होगा बताइए, 20 होगा ना, यहाँ ही हम कर देते हैं। अगर एक 70 है तो दूसरा क्या होगा, 90 माइनस 70, तो 20 डिग्री आ गया, तो यहाँ 20 लिख देंगे। ऐसे अगर ये 45 है तो दूसरा 45 होगा, ये 40 है तो दूसरा कितना होगा, 90 में से 40 घटाइए 50, ये 60 है तो दूसरा कितना होगा 30, और इन दोनों का योग देखिए 90 होना चाहिए, 90 होना चाहिए तभी ये पूरक कोण कहलाएंगे। अगला है संपूरक कोण, यानी कि योग 180 डिग्री, तो सेकंड पार्ट भी हम एक करा देते हैं। एक अगर 100 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा, 180 टोटल है ना, 180 में से 100 घटाइए तो कितना आया, 80 आया ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 80 डिग्री, और इन दोनों का योग देखिए 80 है। ये 90 है तो दूसरा कितना होगा, 180 में से 90 घटाइए 90 आ गया। ये 60 है तो दूसरा कितना होगा, 120 डिग्री, ठीक है। ऐसे ये 30 है तो दूसरा कितना होगा, 150 डिग्री। इतना क्लियर हो रहा है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। पूरक और संपूरक समझ में आ गया, आकृति 4 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि कौन कौन से कोण मिलाकर एक रैखिक युग्म बनाते हैं। रैखिक युग्म क्या होता है, जो सीधी रेखा है, देखिए ये सीधी रेखा है, तो हम सीधी रेखा के उधर और इधर दोनों तरफ देखें तो इधर भी कोण बन रहा है, ये दोनों कोण मिलके 180 बना रहे हैं, तो इनका नाम क्या है, ए ओ सी और बी ओ सी, तो हम लिख देंगे ए ओ सी और कोण बी ओ सी मिलके रैखिक युग्म बना रहे हैं। इस तरफ देखें तो इधर भी दो कोण बन रहे हैं, एक कोण ये वाला है, थोड़ा हम अलग बना लेते हैं इसे, दूसरा ये है, इसका नाम है ए ओ डी, इसका क्या है बी ओ डी, तो ये भी ए ओ डी और बी ओ डी ये भी रैखिक युग्म बना रहे हैं। यानी इस रेखा के उधर भी 180 बन रहा है, इधर भी 180 बन रहा है, पूरा कहें तो 360 हो जाता है एक तरह से। तो चलिए हमें ये समझ में आ गया कि ये भी रैखिक युग्म बना रहे हैं और ये भी। अब रिक्त स्थान भरना है, 180 किसके बराबर होगा, ए ओ सी और क्या बराबर 180 होगा ढूंढते हैं। ए ओ सी और बी ओ सी बराबर 180 हो रहा है, तो यहाँ क्या आएगा, बी ओ सी। ऐसी ए ओ डी और क्या मिलाकर 180 होगा, कौन सा कोण, ए ओ डी और बी ओ डी मिला दें तो 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से हमारी ये वर्कशीट पूरी होती है, और जो बातें हैं आपकी क्लियर हो गई। देखिए ये जो हमारा ज्योमेट्री है उसका बेस है, इसको आप ध्यान से देखना है आपको, और पिछली वीडियोस में भी आपको कई चीज़ें मिलेंगी, आप उसको देखते रहिए, क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। अब प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्या प्रॉब्लम आई है या क्या अच्छा लगा है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरी तरफ से एक छोटा सा होमवर्क है कि पूरक और संपूरक कोण में क्या अंतर है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।